साथ में विवेक जाटव जी जिन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर काम किया है और समाज का दर्द जानते हैं। आइए हम जानकारी लेते हैं आज जो कैडर कैंप हुआ है उस कैडर कैंप से क्या लाभ मिलेगा। विवेक जाटव जी आपका एसएम न्यूज में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं एसएम न्यूज़ को शुभकामनाएं देना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से इस देश का बहुजन समाज जागृत हो रहा है और जो सामाजिक समस्याएं हैं उनको आप आगे बढ़ा रहे हैं और जिसका समाधान निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मेरा नाम वीरेंद्र कुमार जाटव है और बताना चाहता हूँ कि आज बहन जी ने जो चर्चा की है और बहन ने जो भाषण दिया है उसके बाद तैयार होकर ना केवल संघर्ष करना बल्कि संघर्ष में जीत भी हासिल करनी है। इसके लिए उन्होंने बहुत कुछ स्पष्ट कहा कि साम दाम दंड भेद की जो नीति चला रही हैं सरकारें और जो पार्टियां करती हैं उससे बहुजन समाज को सावधान रहना है। उन्होंने एक षड्यंत्र की बात भी कही है, मैं भी इसको 100% मानता हूँ। ये षड्यंत्र तब शुरू हो गया था जब बहन जी अपनी ताकत से अपने बहुमत से उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई थी जी, अपने आप को पहचान लो और इस षड्यंत्र से ही हम सबको बचना है। और षड्यंत्र ये हमारे अंदर भी षड्यंत्र बहुजन समाज के अंदर भी कुछ इस तरह का चल रहा है कि उत्तर प्रदेश में आप देखिए अभी विधानसभा उपचुनाव हुई है, वहाँ 21% तो अनुसूचित जाति हैं और 20% मुस्लिम समाज है जी। और आता है जो पिछले वर्ष भी 33% है, उसके बावजूद भी BSP वहाँ केवल 19 सीटें आती हैं। तो इसका अर्थ ये लगा लीजिए कि हम अपना षड्यंत्र चला और BSP को हार का मुंह देखें, लेकिन इससे वो भर चुकी है मेरे हिसाब से। और जब नगर निगम चुनाव होते हैं तो वहाँ देखिए दो नगर निगम आज के देश के सबसे बड़े नगर निगम हैं, एक तो मेरठ और दूसरा अलीगढ़। दोनों में बहुजन समाज पार्टी बहुत बड़े मार्जिन से जीतती है, एक जगह 20,000 के मार्जिन से जीतती है और एक जगह 12,000 के मार्जिन जी। और इतना ही नहीं, आगरा झांसी और सहारनपुर में भी वो जीत की तरफ थी लेकिन उसको हरा दिया गया एक तरह से, जो मैं सोचता हूँ। वीरेंद्र जी आपको जैसे आज बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन जी आई थी, अगर और कोई पार्टी का होता या BJP का ही एक प्रदेश अध्यक्ष होता यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की यहाँ लाइन लग जाती तो आज वहाँ एक भी आपको देखने के लिए नहीं मिला, तो आप सोशल मीडिया के बारे में क्या कहेंगे? देखिए पहले मैं मेन मीडिया के बारे में, जो मेन स्ट्रीम मीडिया है जी उससे आप बहुत बड़ी अपेक्षा नहीं कर सकते। हमने बिल्कुल ये एक तरह से देख लिया है, ये आजमा चुके हैं हम लोग जी, तो उनके बारे में चर्चा तो आवश्यकता नहीं है। अब रही सोशल मीडिया, यस जो सोशल मीडिया पर आज काम चल रहा है, हमारे जो युवा हैं हमारी जो यूथ है जो आगे निकल के आ रही है और अपनी ताकत के अपनी बौद्धिक क्षमता और दक्षता का परिचय दे रही है, उससे ही बहुजन आंदोलन खड़ा होगा और इससे निश्चित रूप से BSP को भी फायदा होगा जी। तो बहुजन आंदोलन को खड़ा करने में जो आप लोगों की भूमिका है सबसे बड़ी है। नहीं, आप लोगों का मतलब क्या कि एक व्यक्तिगत नहीं भूमिका यह है कि एक तो आपका जैसे मीडिया है यूट्यूब चैनल है जी, ट्विटर पर आप लोग आ चुके हैं, वेबसाइट पर आप काम कर रहे हैं, व्हाट्सएप पर काम कर रहे हैं, फेसबुक पर काम कर रहे हैं, तो ये जो पांच चीज़ें हैं सोशल मीडिया वाले, इससे ही बहुजन समाज को बहुत बड़ी ताकत मिल रही है। और चूंकि पहले ऐसा नहीं होता था, अब स्मार्टफोन भी हमारे बच्चे परचेज कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका फ़ायदा बहुजन समाज पार्टी को भी होगा और बहुजन समाज को बहुत बड़ा होने वाला है। लेकिन एक बात मैं पुनः कहना चाहता हूँ, इस देश में बहुजन समाज के जितने भी अपने आप को नायक बन रहे कहते हैं या ये संघर्ष कर रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है वो अपने अंतर जो विरोधाभास है उसको ख़त्म करके और ये देख लें कि बहुजन समाज पार्टी ही देश में सबसे बड़ी और एकमात्र पार्टी है जिसके माध्यम से देश में हम शासक बन सकते हैं और शासक बनना चाहिए। धन्यवाद, आप थे वीरेंद्र जाटव जी। बहुत पीड़ा है क्योंकि इन्होंने काम किया है और ये सरकारी अफसर भी थे और उनको लगता है कि जो शुरू से जो होता आ रहा है उसको कहीं न कहीं तो टीस होती है। और आज मीडिया की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं, वो कहीं न कहीं वो गुनेगार तो शुरू से ही रहा है। मानवर कांशीराम साहब भी कहा करते थे, अब बहन जी भी कहा करते हैं, लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है अपने लोगों की बात, बहुजन समाज की बात, दलित समाज की बात बड़े पैमाने पर आगे बढ़ने लगी है, तो सोशल मीडिया को ये लोग धन्यवाद दे रहे हैं। कैमरामैन गौतम के साथ मनोज पिप्पल।